सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू माई डियर स्टूडेंट्स. आज वी आर स्टार्टिंग विथ अ न्यू कंसेप्ट टूडे. एक्चुअली दैट इज नोन एज प्रोडक्ट कैनिबलाइजेशन. ओके सी, ये आपके लिए नया कंसेप्ट है. सो लेट सी आज कितना हो रहा है. डोंट वरी, अगर नहीं हो रहा है, इतना कंसेप्ट हुआ दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी. ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में, अगर इफ आई गो योर टेक्स्ट बुक वाइज, उसमें बेसिकली वही लिखा है, मैनेजिंग प्रोडक्ट लाइन कैनिबलाइजेशन. ठीक है, तो आई मीन बिफोर मूविंग इन टू द मेन टॉपिक, हमें कैनिबलाइजेशन का मीनिंग समझना होगा. ओके ओके, एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. सी स्टूडेंट्स, क्या लिखा है देखो. एक बड़ी मछली है, ओके, और एक छोटी मछली है. सो वॉट इज हैपनिंग नाउ इज, यू नो, ये जो बड़ी मछली है छोटी मछली को खा रही है. येस और नो? वी ऑल नो स्टूडेंट्स, हम लोग ये बचपन से एंड ऑल पढ़ते आ रहे हैं. वॉट इज द, हम बोलते हैं ना, जंगल हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, सबका एक ही फंडा होता है. क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. येस और नो? ओके, मतलब जो फिट होगा वही सर्वाइव होगा, बाकी लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं सर्वाइव हो सकते. सो अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, सी, तो बिजनेसेस में भी, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप लोगों को पता नहीं था स्टूडेंट्स, जब यू नो बीच में वॉलमार्ट आया था इंडिया में उनका बिजनेस करने, एट द सेम टाइम अमेजोन आने वाले थे, अलीबाबा आने वाले थे, तब आप लोग देखो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे. किसने? मे बी ये लोग, यू नो, जो लोग के अपने रिटेल शॉप्स होते हैं, अपने खुद के किराना स्टोर है. ओके, कैन यू टेल मी नाउ द रीजन स्टूडेंट्स, वो लोग ने क्यों ये प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे, क्या हो सकता है? वॉट आई मीन इज, क्यों लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया था जब अमेजोन इंडिया में आ रहा था, वॉट वॉज द रीजन, वो मैं आपको पूछ रही हूँ. कैन यू ट्राई गेसिंग द रीजन? चलो आप ये सोचो कि लेट्स अज्यूम आपका खुद का किराना स्टोर है, ओके, एंड अमेजोन इंडिया में आ रहा है, या तो फिर यू नो खुद का किराना स्टोर है, या तो खुद का, चलो, क्लोथिंग स्टोर है. ओके, आप लोग मुझे बताओ, अमेजोन जो रेट्स पे कपड़े दे रहा है, क्या आप लोग वो रेट्स पे दे सकते हो? या तो आप देखो कंपनीज लाइक डी मार्ट एंड ऑल, इतना सस्ता हमें मिलता है, आई एम श्योर इवन यू हैव शॉप फ्रॉम देयर. सो आप लोग वहाँ का मुझे बताओ, वहाँ पे आपको जो प्राइस में मिल रहा है, क्या एक मामूली शॉपकीपर वो आपको वो प्राइस में दे सकता है? आई मीन उसे क्या ये सब पड़वड़ेगा? या तो फॉर एग्जाम्पल, चलो वेरी गुड, आप मोबाइल फ़ोन का ही एग्जाम्पल्स ले लो स्टूडेंट्स. हम अगर मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, तो यू ऑल ऑलरेडी नो अबाउट दिस. ओके, मोबाइल फ़ोन्स की अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, तो टेल मी वन थिंग, आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये प्राइस पे जो फ़ोन मिल रहा है बेसिकली, क्या इज इट पॉसिबल कि एक लोकल शॉप है, मुझे इतना, इफ़ आई टेल हिम कि चलो फ्लिपकार्ट पे तो 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो तुम भी मुझे यही डिस्काउंट के पे प्राइस दो, इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है क्या ये? नो, राइट, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो वॉट आई मीन टू से, इसलिए ये जो कंपनीज थी उन्होंने ये सब इतना अपोज किया था. वाई? बिकॉज दे न्यू दिस. सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको जंगल का भी रूल बताया, जब बड़ी कंपनी आ जाती है तो छोटी कंपनी को कोई देखता ही नहीं है, वो बड़ी मछली खा जाती है. राइट, दैट इज़ वॉट आई बेसिकली मीन टू एक्सप्लेन यू यर. फाइन, सो सी स्टूडेंट्स, मैं आपको वही बोलना चाहती थी. This is a very interesting concept. So that's why now I'm moving step by step now. You know students, ये सब factors लिखे हैं as you all can see in the PPT. Type of product है, type of brand है, customer behavior, वो सब जो है we are trying to understand now. Okay? हाँ, तो अभी जो है, see students, कई बार companies जो होते हैं, अच्छा tell me one thing, हम सब SWOT analysis कर चुके हैं, आप लोग मुझे ये बता सकते हो कंपनी को सबसे बड़ा खतरा या थ्रेट किससे होता है? इट इज अ वर्ड स्टार्टिंग विथ सी. हु इज अवर बिगेस्ट चैलेंज, थ्रेट? मैंने आपको बताया था स्वॉट एनालिसिस के टाइम, कोई बता सकता है? वर्ड स्टार्टिंग विथ सी, सबसे डर हमें किससे ज्यादा रहता है कि यू नो कल ये आगे निकल गया तो बिजनेस में. A word starting with C. Can you tell me?
कम ऑन स्टूडेंट्स, ये FY लेवल का क्वेश्चन है. फर्स्ट नो, हमें सबसे बड़ा खतरा किससे होता है? प्रॉफिट मिलता है वो नहीं, खतरा किससे होता है? कस्टमर इज अवर किंग, उससे हमें खतरा नहीं है. नो no. और एक वर्ड है विथ सी, थिंक अबाउट इट. वन मोर वर्ड विथ सी. गुड दीपक, कॉम्पिटिशन इज द राइट आंसर. वेरी गुड. हाँ यस, मैं आपको वही समझा रही थी. लेट मी म्यूट यू ऑल वन मिनट. या तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है स्टूडेंट्स. तो सी, कई बार हमें यही चीज का डर लगा होता है, कि कॉम्पिटिटर कब आ जाएगा, कब हमें पीछे फेंक देगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, राइट? सो दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू. सो सी हियर स्टूडेंट्स, आपको ये जो प्रोडक्ट कैनिबलाइजेशन का कंसेप्ट है, उसमें बेसिकली वही बोला, आई विल गिव यू द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जियो स्टूडेंट्स, सिंस इवन अब की जनरेशन का एग्जाम्पल है, एंड इवन यू ऑल वे प्रेजेंट जब जियो का लॉन्च हुआ था. तब आप लोग जियो की स्ट्रेटेजी देखो स्टूडेंट, स्टार्टिंग में वो लोग इतने सारे ऑफर्स लेके आए थे कस्टमर्स के लिए, येस और नो? एक साल उन्होंने ऑलमोस्ट फ्री फोन्स दिए सबको. फ्री फोन्स नहीं, सॉरी, फ्री इंटरनेट. आप लोगों को पता ही होगा, फ्री जियो टू जियो कॉलिंग, इंटरनेट आपको फ्री मिलने वाला है, सब कुछ फ्री मिलेगा, येस और नो? टेल मी वन थिंग. इसलिए इससे वॉट दे वॉन्टेड टू डू इज कि वोडाफोन था, आइडिया था, इनका जो मार्केट था दे कम्प्लीटली वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय इट. ओके, तो वही मैं आपको समझाना चाहती थी. तो दीज आर द स्ट्रेटेजीज जो कंपनी यूज करती है. मतलब आप देखो, फॉर एग्जाम्पल जियो जैसी बड़ी मछली है, वोडाफोन, एयरटेल, जो भी ऐसी छोटी छोटी कंपनीज थी, उनके बिजनेसिस को पूरी तरह से उन्होंने तोड़ दिया है, येस और नो? ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं आपको और एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, बिकॉज नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये जो कैनिबलाइजेशन का कंसेप्ट है, इट इज़ यूज बाय कॉम्पिटिटर्स. ओके, बट पे अटेंशन, आपकी टेक्स्ट बुक में और एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. अभी मेन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो कंसेप्ट का इम्पोर्टेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. सो आप लोग ध्यान से सुनना, ओके? अदरवाइज ये पूरा जाएगा आप लोगों को, ठीक है? ओके, नाउ यू टेल मी स्टूडेंट्स. ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. मैं ओरिजिनली मैं हमेशा बोलती हूँ, राइट, कि मेरी मोबाइल फोन की फर्म है, ऑल ऑफ दैट. सो आई एम ओके, तो सेम एग्जाम्पल मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. मेरी मोबाइल फ़ोन की फर्म है, ठीक है? मैंने करंटली वर्जन 1 लेके आया था. ओके, इट इज़ अ नॉर्मल स्मार्टफोन, एवरेज 7-10 हज़ार में प्राइस करके रखा है वो. वही सब आप लोग जो फीचर्स पूछते हो वो सब अवेलेबल है, ठीक है? नाउ पे अटेंशन टू वॉट आई एम सेइंग इज, अभी मैं एक नया वर्जन 2 लेके आई हूँ. ओके, आई वुड से वर्जन 2 वर्जन 1 से काफी बेटर है. पे अटेंशन, वर्जन 2 वर्जन 1 से काफी बेटर है, एंड एट द सेम टाइम उसका प्राइस मैं कम चार्ज कर रही हूँ. यू विल आस्क मी कि मैम अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? द सिंपल रीजन कुड बी मे बी दिस इज अ सेल्स प्रमोशन टेक्निक. मैं मेरे सेल्स को प्रमोट करना चाहती हूँ, या तो मैंने कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी ढूंढ लिया जिससे मुझे प्रोडक्ट का प्राइस कम हो रहा है. सो वेरी गुड, मैंने ये स्ट्रैटेजी किया. नाउ यू टेल मी स्टूडेंट्स, अब मेरे नए फोन्स आ गए हैं मार्केट में. ऑब्वियसली यू एज अ कस्टमर आंसर मी इन द चैट बॉक्स. आप लोग आई होप वी आर कनेक्टेड नाउ स्टूडेंट्स. बीच में मीटिंग का कुछ प्रॉब्लम हो गया था. आई होप यू ऑल आर एबल टू हियर मी नाउ. ग्रेट, सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द पीपीटी वंस अगेन. मैं मछली का, यस, दिस इज द पीपीटी आई वॉज रेफरिंग टू. आई होप इट्स विजिबल. हाँ, वेरी गुड.
नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं आपको क्या बता रही थी, आई वॉज आस्किंग यू अ क्वेश्चन. यू नो मेरे दो वर्जन के फोन्स है, वर्जन वन वर्जन टू. अब आप लोग मुझे बताओ विच वर्जन यू विल बाय. फर्स्ट वर्जन है सी, इन अ वे ऐसे ही बता रही हूँ, जो सेकेंड वर्जन का फोन है बेटर है, ज्यादा फीचर्स है, कम प्राइस है. एंड फर्स्ट वर्जन मतलब पुराना वर्जन का फोन है, मे बी उसका प्राइस जो है चलो थोड़ा ज्यादा है. आप लोग कौन सा बाय करोगे, फर्स्ट वर्जन या सेकेंड वर्जन? दैट इज माई सिंपल क्वेश्चन टू. थैंक्स फॉर आंसरिंग स्टूडेंट्स, सेकेंड वर्जन इज द राइट आंसर. नाउ सी स्टूडेंट्स, एकदम ध्यान से सुनो ये बात, मैं अभी आपको जो बोल रही हूँ. मैंने ऐसा कर तो दिया है, बट थिंक अबाउट इट इन द लॉन्ग टर्म. अब मेरे लेट्स अज्यूम, मैंने फर्स्ट जो वर्जन है उसका फोन्स का मैंने ऑलरेडी एडवांस में मैन्युफैक्चरिंग करके रखा है, वो पीसेस ऐसे ही मेरे पास पड़े हुए हैं, ओके. बट अभी सिंस सेकेंड वर्जन आ गया है मार्केट में, सो नाउ टेल मी वन थिंग, अभी क्या इजी होगा वो मेरा प्रोडक्ट का सेल? मैं वही पूछना चाहती हूँ, डू यू थिंक नाउ इट विल बी इजी मेरे वर्जन वन का? सी बिकॉज एटलीस्ट आई वुड वॉन्ट कि मैंने जितने बनाए हैं फोन्स उतने तो बिक जाए. येस और नो? एब्सोल्युटली. तो कई बार यू नो स्टूडेंट्स, मैं आपको इसमें यही एग्जाम्पल समझाना चाहती थी यूरिस, कि हमारी कंपनी में एक प्रोडक्ट आ रहा है ना नया, तो हमारे पुराने प्रोडक्ट. आपको ये कंसेप्ट समझ में आया स्टूडेंट्स? नॉर्मली मैंने आपको स्टार्टिंग में जियो बट व्हाट आई मीन टू से इज कई बार कंपनीज में भी ऐसा हो सकता है यू नो कि वो लोग अपने अपना कुछ नया प्रोडक्ट लेके आते हैं बेटर, तो ऐसा हो सकता है कि उनके जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं ओके उनका सेल्स तुरंत रुक जाए. मतलब ये चीज तो आसानी है स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाएगी. Yes or no? मैं अभी आपको इसके examples भी समझा रही हूँ, but have you so far understood what I mean to tell you? इसमें किसी को कुछ doubt है? cannibalization? मतलब originally मैं आपको वही बोलना चाह रही थी, you know, मतलब इसमें ये concept में वही का है कि एक नया product का जब launch होता है okay? तो I mean क्या हो सकता है? Basically उसके कुछ side effects भी हो सकते हैं. That is what is, see students, simple example है. आप कई बार देखो हम मेडिसिन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई है स्टीरोइड ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है. आप देखो मेडिसिन स्टूडेंट्स, इसके पॉजिटिव्स तो है ही, लाइक हम अच्छे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं. बट टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स, बहुत सारी मेडिसिन इफ यू सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हमारी किडनी होती है, हार्ट होती है, उसको नुकसान पहुंचाती है. येस और नो? मैं आपको वही समझाना चाहती थी बेसिकली, यर वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ओके. तो हाँ, मैं कंपनी की बात कर रही थी तो उसमें वही कहा है कि एक प्रोडक्ट के लिए कस्टमर यू नो एक प्रोडक्ट के लिए हाउ कंपनी इज यू नो अफेक्टिंग द सेल्स ऑफ अनदर प्रोडक्ट. मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ अब टू मेक योर कंसेप्ट मोर क्लियर. सी जिलेट का एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट्स ओके. What they had done is, आपको पता है Gillette is a company, उनके razors आते हैं okay, boys know this. तो उसमें वही लिखा है कि Gillette ने उनका 3-blade का Gillette था वो लॉन्च किया था, तो उसकी वजह से. सी स्टूडेंट्स, आप देखो razors एंड ऑल Gillette के आपको पता ही है boys को, जैसे वो ब्लेड का क्वालिटी इम्प्रूव होता जाता है. मीन यू नो पुराने ब्लेड्स कोई यूज़ नहीं करता है. आप लोग भी देखो गर्ल्स, अगर आप लोग देखते हो वीट एंड ऑल, पहले वो क्या होता था, क्रीम होता था, हम लगाते थे ओके फिर वो निकालते थे. आप लोग देखो गर्ल्स, इसके बाद नॉर्मली अब वैक्स स्ट्रिप्स बहुत कॉमन है, बिकॉज यू नो वो लगाने का एंड ऑल इट वॉज वेरी मेसी ओके. बट अभी वैक्स स्ट्रिप्स की वजह से तुरंत हमारा काम हो जाता है. मैं यही समझाना चाह रही थी आपको. आई मीन सी, इससे बेसिकली क्या हो रहा है, एज सून एज यू लॉन्च अ न्यू वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट, तो तुम्हारा पुराना जो प्रोडक्ट का सेल है वो अफेक्ट हो रहा है. ठीक है, सो व्हाट दे आर टेलिंग हियर इज स्टूडेंट, सी आइडियली अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए यू नो कि एक प्रोडक्ट के एक्सपेंस पे दूसरा प्रोडक्ट
दूसरे प्रोडक्ट का भी सेल बेसिकली रुकना नहीं चाहिए। तो उसमें वही लिखा है, व्हाट यू कैन बेसिकली डू इज यू नो फोकस ऑन प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन। सी स्टूडेंट्स, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन का मीनिंग क्या है बेसिकली। ओके, टेक एन एग्जाम्पल। मैं आपको वीट का बता रही थी। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग देखो, वीट ओरिजिनली अभी नया जो आया है वैक्स स्ट्रिप्स में आया है, टोल्ड यू येस और नो। पहले जो होता था वो क्रीम लगाओ। सो फॉर बॉयज, अगर आप लोगों को नहीं पता है, मैं वीट की वही बात कर रही थी बेसिकली। यू नो आप लोग पहले कैसे शेव करते हो वो दाढ़ी लगा के एंड ऑल। गर्ल्स ऑल्सो वीट में ओरिजिनली वही यूज होता था, हेयर रिमूविंग का कंसेप्ट। ओके, सो वॉट आई मीन टू से, आप लोग अभी भी देखो, गर्ल्स कैन यू टेल मी, देर आर स्टिल मेनी गर्ल्स लाइक यू जो लोग ओरिजिनल वीट ही प्रिफर करती हैं। ओरिजिनल वीट का मीनिंग क्या है? द वन यू नो जो क्रीम आता था वो लगाते थे। कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई, क्यों ऐसा करती है गर्ल्स? दे स्टिल डोंट प्रिफर वैक्सिंग। आप रीजन बता सकते हो? मैं आपको वही बोल रही थी, अगर हमें चाहिए कि कैनिबलाइजेशन ऐसा कुछ ना हो कि एक प्रोडक्ट हमारे ही कंपनी के कोई और प्रोडक्ट को ओवरटेक कर ले, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज दिस कंसेप्ट। सो अब मैं आपको पूछ रही हूँ, अकॉर्डिंग टू यू क्यों हमें प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना जरूरी है? नॉट ओके, कविता हैज गिवन वन गुड पॉइंट, वैक्स कॉस्ट की वजह से इसलिए वीट। ओके, सी मेन्स गर्ल्स, आई विल टेल यू, इनफैक्ट आई विल टेल यू इवन समवन लाइक मी। ओके ओके, शी इज टेलिंग कि वैक्सिंग एंड ऑल अच्छा है। आई विल टेल यू द मेन थिंग स्टूडेंट्स, मैं आपको वही बोल रही थी, देर विल स्टिल बी मेनी गर्ल्स दोज हू प्रिफर ट्रेडिशनल कंसेप्ट कि तुम क्रीम लगा के करो। सी स्टूडेंट्स, जो लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है ना, उन्हें थोड़ा भी पेन सहन नहीं होता है। आपको पता ही है, हम वैक्स करते हैं उसमें यू नो हम स्किन पे कुछ लगाते हैं फिर खींचते हैं। नॉट एवरी वन इज कम्फर्टेबल विद द पेन, उसमें पेन होता है बॉडी को, येस और नो? काफी लोग मैंने देखे हैं, आई नो देम, उनकी स्किन एकदम लाल हो जाती है। ओके, तो वही मैं आपको बताना चाह रही थी बेसिकली। तो इन सच अ सिचुएशन बेसिकली, सो फॉर देम वैक्सिंग इज नॉट अ गुड ऑप्शन। ठीक है, हाँ। तो व्हाट आई मीन टू से, ऐसे कुछ की हम अगर बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज यू नो, अगर हम नया प्रोडक्ट डाल रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर बेसिकली यू नो कि हम उसको अच्छे से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब वी हैव टू कन्विंस द कस्टमर्स कि ओरिजिनल जो हमारा प्रोडक्ट है क्यों अच्छा है। राइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैं आपको जो बोल रही हूँ। किसी को कुछ डाउट है प्रोडक्ट कैनिबलाइजेशन में? ये आंसर जो है स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर शॉर्ट नोट्स, मेनी अ टाइम्स दे आस्क यू। इसमें यही है कि यू नो कई बार कंपनी कोई नया, फॉर एग्जांपल इफ दे गो अबाउट टू लॉन्च समथिंग न्यू, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि पुराना प्रोडक्ट का सेल्स रुक जाए। दैट इज वॉट इज टोल्ड हियर इज। ओके, टेक्स्ट बुक में अगर मैं आपको बताऊँ, जिलेट का एग्जाम्पल दिया है, यू नो और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। लेट मी सी, अभी मैं आपको यूट्यूब पे भी दिखा रही हूँ। ओके, यस। सो और एक पीपीटी है मेरे पास, लेट मी शेयर दैट विथ यू। ओके, अच्छा ये नहीं है, सॉरी, ये फाइटिंग ब्रांड्स का है। दिस वी हैव टू डू नेक्स्ट लेक्चर में। और एक पीपीटी भी है दैट आई विल शो यू। सी स्टूडेंट्स, बेसिकली वही लिखा है इसमें, यू नो कंपटीशन को स्टील करना। इफ यू सी एडिशनल सेल्स कैटेगरी, आप राइट साइड पे ही देखो, ग्रेन गेन फ्रॉम ब्रांड कैनिबलाइजेशन, मतलब यू नो कंपनीज जो होती है स्टूडेंट्स, ये सब पे रिसर्च करती है। ओके, व्हाट आई मीन टू से इज यू नो
बेसिकली कि हमें अगर फॉर सी ये भी हम देख सकते हैं राइट. आप लोग देखो स्टूडेंट्स नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल यू नो आप लोग जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल मैगी का आप लोग देखो यू ऑलवेज वंडर मैगी जो है वो लोग हमेशा यू नो अपने फॉर एग्जाम्पल कल अगर वो चाइनीज नूडल्स लेके आ रही है मार्केट में फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि चाइनीज नूडल्स की वजह से उनके जो पहले ओरिजिनल नूडल्स है लोग इसे ना खरीदे. येस और नो व्हाट आई मीन टू से हियर इज यू नो प्रोडक्ट कैनिबलाइजेशन में हमें ये चीज का ध्यान देना पड़ता है. सी स्टूडेंट्स कई बार इट माइट हैपन बेसिकली यू नो पीपल विल आस्क क्योंकि हम लोग आपका हो सकता है कि यू नो पुराना प्रोडक्ट है पीपल विल बी लाइक हम लोग ये क्यों खरीदे ज्यादा प्राइस में. सो आई मीन वी शुड बी रेडी विथ आंसर एज अ बिजनेस कि भले ही ये प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है बट इसमें हम कुछ ऐसे एडिशनल फीचर्स दे रहे. आप लोग देखो स्टूडेंट्स मोबाइल फोन्स की अगर मैं बात करूँ यू ऑल ऑलरेडी नो दिस राइट. महंगे फोन्स जो होते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं राइट. तो आई मीन वो जवाब वी शुड नो हाउ टू डिफरेंशिएट अवर प्रोडक्ट दैट इज बेसिकली वॉट इज टोल्ड हियर इज. ठीक है तो हम दोनों प्रोडक्ट का एक साथ साथ में बेच सकते हैं अदरवाइज इट शुडंट हैपन राइट. कि एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं एंड यू नो किसी और का सेम कंपनी में नुकसान हो रहा है. बिकॉज सी स्टूडेंट्स आफ्टर ऑल अगर हम कंपनी की बात करें तो दे शुड इंश्योर ऑल प्रोडक्ट्स का सेल हो. ऐसा नहीं है कि एक का ही हो राइट. फाइन आई विल डू वन थिंग स्टूडेंट्स मैं आपके पास यू नो और एक स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको समझा रही हूँ. फाइटिंग ब्रांड स्ट्रैटेजी काफ़ी छोटी है बिकॉज तो आप लोगों को ये पीपीटी समझे स्टूडेंट्स यू डोंट हैव टू ड्रॉ दिस ओके. इसमें बेसिकली वही कंपेयर किया है कि प्रोडक्ट कैनिबलाइजेशन की वजह से बिजनेस को प्रॉफिट होना चाहिए लॉस नहीं. दैट इज व्हाट इज सिंपली टोल्ड हियर इज. ठीक है और एक पीपीटी जो है लेट मी शेयर इट विथ यू. ये पीपीटी था और एक जो था ओके. मतलब क्या इसमें बेसिकली बोला है यू नो यू डोंट रिमेम्बर ऑल दिस कि कैनिबलाइजेशन प्रोएक्टिव मतलब फुल्ली अगर हम सी स्टूडेंट्स कई बार कंपनीज ये भी स्ट्रैटेजी यूज करती है. व्हाट दे ट्राई टू डू इज योर इज यू नो कैनिबलाइजेशन मतलब कोई नया प्रोडक्ट पहले छोटे स्केल पे इंट्रोड्यूस करती है. वॉट आई मीन टू से दे विल सी कि कस्टमर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. छोटे स्केल पे इंट्रोड्यूस करना दैट इज नोन एज पैसिव कैनिबलाइजेशन. मतलब इफ दे आर अंडरस्टैंडिंग कि नया प्रोडक्ट आने की वजह से पुराने प्रोडक्ट का सेल अफेक्ट हो रहा है मेरा देन वॉट दे डू इज यू नो दे विल डिक्रीज मार्केट शेयर. मतलब अभी वो उतना नहीं करेंगे. मैंने आपको जैसे कहा मैंने देखा मैं ऐसा फोन लेके आने वाली हूँ तो तुरंत वॉट दे विल डू इज योर इज यू नो तुरंत क्या करेंगे वो लोग कस्टमर्स नया फोन लेंगे. तो ऐसे केस में आइडियली एज अ स्मार्ट कंपनी व्हाट आई शुड डू इज यू नो पहले आई विल इंश्योर कि मेरे सब जो पुराने फोन्स है बिक जाए उसके बाद ही मैं ये नया कुछ लेके आ सकती हूँ राइट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ये जो पूरा लेक्चर था स्टूडेंट्स व्हाट आई एम टीचिंग यू इज एवरीथिंग फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. आपको ऐसे सोचना है कि अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो हाउ विल आई बी एबल टू हैंडल थिंग्स उसकी बात हो रही है. ठीक है तो आई होप एंड सी ऊपर जो वर्ड लिखा है प्रोएक्टिव कैनिबलाइजेशन उसका क्या मीनिंग है. प्रोएक्टिव का मीनिंग कि अगर हम लोग को पहले से ही अच्छी स्ट्रैटेजी फ्रेम करनी है तो करो ओके. आई मीन प्रोएक्टिव मीन्स यू नो पहले से ही अगर हम सोच रहे हैं यू नो फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखो स्टूडेंट्स जियो था ओके. फॉर एग्जाम्पल यू ऑल ऑलरेडी नो दिस आप बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोएक्टिव कैनिबलाइजेशन. उन्होंने ऐसा यू नो किसी को मार्केट में भनक भी नहीं पड़ने दी कि वो लोग 4G एंड ऑल का कंसेप्ट ला रहे हैं वो भी इतने कम रेट में. आई रिमेम्बर पहले वोडाफोन एंड ऑल क्या क्या होता था यू नो बेसिकली इतना बिल चार्ज करते थे लाइक हैविंग सब लोग फ्री वाईफाई के लिए पागल थे. बट वंस जियो केम इन द मार्केट देखो बड़ी मछली ने कैसे पूरे मार्केट को यू नो स्टूडेंट्स वही लिखा है इसमें बेसिकली हमें कस्टमर की डिमांड्स पता होनी चाहिए तो वी कैन बी अ मास्टर ऑफ द ट्रेड. ठीक है सो इफ यू स्टूडेंट्स अलाउ मी नाउ कैन आई मूव फॉरवर्ड टू शोइंग यू द वीडियो.
किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ पे, आई विल डू वन थिंग. मैं पहले आपका क्वेश्चन जो है, आई एम टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स. ओके, इसमें आप लोग जिलेट का एग्जाम्पल लिखना स्टूडेंट्स. ओके, बिकॉज टेक्स्ट बुक में वही दिया है. सी, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मैनेजिंग प्रोडक्ट लाइन कैनिबलाइजेशन अलोंग विथ एग्जाम्पल्स. ओके, दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टुडे. सो नाउ आई एम क्विकली गोइंग टू यूट्यूब सो दैट आई कैन शो यू द वीडियो. मी टर्न ऑन माई वीडियो, देखते हैं अच्छे वीडियो है कि नहीं. लेट अस टेक अ स्मॉल वीडियो फर्स्ट, बाकी वीडियोज बाद में दिखा रही हूँ. मतलब सिंपली वही बोला है ना कि कस्टमर कुछ चुरा लेता है. ओके, कस्टमर रिटेंशन इसके, यू नो व्हाट ही इज सेलिंग, द बेनिफिट्स ऑफ कैनिबलाइजेशन. ओके स्टूडेंट्स, न्यू कस्टमर एक्विजिशन. सी स्टूडेंट्स, अगर हम लोग कैनिबलाइजेशन यूज करते हैं तो हम नए कस्टमर्स भी ढूंढ सकते हैं. ओके, मार्केटिंग में बहुत कॉमन स्ट्रेटेजी यूज होती है, दैट इज बेसिकली व्हाट ही इज टेलिंग. लेट मी शो यू अनदर वीडियो नाउ, लेट अस सी दिस वीडियो. मैं फास्ट फॉरवर्ड करूंगी, डोंट वरी. स्टूडेंट्स, नया प्रोडक्ट आ तो रहा है बट एट द एक्सपेंस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. मतलब नया प्रोडक्ट अच्छा है, वो तो डेफिनेटली अच्छा करने वाला है, बट वी कैन नॉट बी श्योर नाउ कि अब पुराने प्रोडक्ट का क्या होगा, दैट इज व्हाट इज टोल्ड. ओके, सी नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है, साइड इफेक्ट मैंने आपको कहा था. ओके, न्यू प्रोडक्ट ईट्स अप द सेल. ओके, मतलब वही कहा है कि वी माइट फाइंड द कंसेप्ट नेगेटिव बट आप अगर देखो स्टूडेंट, तो यू नो इन अ वे इट कैन हेल्प ऑल्सो टू द कंपनी, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर. मतलब व्हाट दे आर टेलिंग इज, यू नो मारुति सुजुकी ने ऑल्टो लॉन्च किया. ओके, इसके बाद 800 कोई बाय नहीं कर रहा है बट ऑल्टो में कंपनी को काफी फायदा हो गया, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर. ठीक है, जी उसके एडवांटेज की बात की गई. ओके,
धीरे धीरे बंद करना ही होगा. यू विल आस्क मी नाउ मैम ये क्यों कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, बिकॉज यू ऑल नो ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, यस और नो? तो हम बोलते हैं ना जमाने के हिसाब से हमें चेंज करना ही होगा, ठीक है? बिकॉज इट माइट हैपन, कल तुम्हारा कॉम्पिटिटर है वो तुमसे स्मार्ट है, वो कल एक नया प्रोडक्ट लेके आएगा, तुमसे आगे निकल जाएगा, राइट? दिस इज वॉट यू डोंट वॉन्ट. इसलिए उससे पहले कि वो कुछ करे, यू नो वी शुड मेक श्योर कि हम आगे निकले. लेट्स सी, उनका ही एग्जाम्पल दिया है. ओके okay? वो लोग कॉन्स्टेंटली कैसे नए प्रोडक्ट लेके आते हैं ओवर ओल्ड प्रोडक्ट, राइट? वो लोग फीचर्स में कुछ ना कुछ चेंज करते हैं. सी स्टूडेंट, आज के रेजर आप लोग देखना, अगर आपके पापा के टाइम का रेजर कहीं पड़ा है ना बाथरूम में या कहीं, जस्ट सी, आई मीन यू नो. धीरे धीरे वो अपने न्यू प्रोडक्ट हटा देते हैं मार्केट से, दैट इज व्हाट इज टोल्ड देयर इज. ओके जी स्टूडेंट, बॉश एंड लॉम ने कॉन्टैक्ट लेंस की बात की है. ओके सी स्टूडेंट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फेलियर. व्हाई? बिकॉज वो लोग के जो बेसिकली व्हाट इज टोल्ड देयर इज, वो लोग आई के ड्रॉप्स बेच रहे थे, उनका यू नो सेल कम हो गया बिकॉज ऑफ लेंसेस. लेंसेस में आप देखो ऑलरेडी स्टूडेंट्स, बाकी और कंपनीज है ओके, काफी आगे है बेसिकली, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर. ओके और एक एग्जांपल है. ओके ये भी अभी मैंने आपको बोला एग्जाम्पल, राइट? सेंट्रो पहले की कार है. ओके दे आर टेलिंग द सेम थिंग कि ये जो पुरानी कार थी उसको खत्म करके दे इंट्रोड्यूस सेंट्रो जिंग, यू नो बेटर वर्जन ऑफ समथिंग. ओके एप्पल फोन स्टूडेंट्स आप लोग देखो उनके पहले के वर्जन, आई मीन आई वुड से यू नो आइडियली एप्पल इज द बेस्ट. ओके व्हेन इट कम टू कैनिबलाइजेशन आप देखो कितने सारे उनके वर्जन है, बढ़ते गए बढ़ते. एप्पल इज आई वुड से यू नो द बेस्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप इनका देखो एग्जाम्पल. ऑलवेज द पायोनियर्स, पायोनियर्स मतलब लीडर्स इन द बिजनेस. ओके इफ यू नीड नॉट रिमेम्बर स्टूडेंट्स, ओके वो आप कैसे प्रॉफिट एंड ऑल कैलकुलेट करते हैं उसकी बात हो रही है, राइट? सो वी आर डन विथ टूडेज लेक्चर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो. एनी वन इज हैविंग एनी डाउट्स?